भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम ने अपने बल्लेबाजों के दम पर जीत हासिल की। जोस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने जोरदार वापसी करते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। शुक्रवार को खेले गए इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए और भारत के 337 रन के विशाल लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने यहां कई बड़ी गलतियां की और मैच गंवा बैठी। चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। सबसे पहले रोहित धवन की धीमी शुरुआत। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने बेहद धीमी शुरुआत की। धवन जहां चौथे ही ओवर में 17 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रोहित शर्मा ने 25 गेंदों में 25 रन ही बनाए। दोनों ही खिलाड़ी पहले पावर प्ले में टीम के लिए रन नहीं जोड़ पाए और भारतीय टीम ने शुरू के 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 41 रन बनाए। वहीं बात करें इंग्लैंड की पारी की तो पावर प्ले में इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा। भुवनेश्वर कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजों की जोड़ी लगातार दूसरे मैच में पावर प्ले में विकेट निकालने में नाकाम रही। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय की जोड़ी ने लगातार दूसरी बार शतकीय साझेदारी की और पावर प्ले में भी खूब रन बनाए। तीसरी गलती खराब गेंदबाजी। पुणे के इस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से बिखरी नजर आई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बटोरे और मैदान की चारों तरफ चौके छक्के लगाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 20 से अधिक छक्के लगाए जिसमें बेन स्टोक्स ने अकेले 10 छक्के जड़े। भारतीय गेंदबाजी में 5वें स्पेशलिस्ट गेंदबाज की कमी साफ नजर आई। भारतीय टीम ने इस मैच में सिर्फ 5 गेंदबाजों का ही इस्तेमाल किया। इसमें भी उनके पास कोई 5वां स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं था। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 1 भी ओवर की गेंदबाजी नहीं की, जबकि उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 12 की इकोनॉमी से रन लुटा। इसके अलावा मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव ने भी काफी निराश किया और काफी महंगे साबित हुए। विराट कोहली की कप्तानी भी इस मैच में कमजोर नजर आई। वह अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करने में असफल रहे। कुलदीप यादव को लगातार गेंदबाजी देना और अपने गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट न करना भी टीम के खिलाफ गया। यही नहीं, एक दिवसीय मैच में 4 प्रमुख गेंदबाजों के साथ उतरना भी टीम के लिए महंगा साबित हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खेल जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।